ये हमारा टॉपिक है जेंडर एंड डेवलपमेंट, ठीक है। बेसिकली तो ये हमारा जेंडर स्टडीज का ही टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर इतनी डेप्थ है कि अगर कल को इंग्लिश ऐसे के अंदर भी कोई जेंडर को लेके या डेवलपमेंट को लेके कोई खास तौर पे अगर कोई ऐसा ऐसे आ गया जिसमें डेवलपमेंट और जेंडर का रिलेशनशिप आ गया, तो दिस टॉपिक जो है इज अ बेस्ट गाइड, ठीक है। ये आपको बहुत सारा फ्रेमवर्क दे देगी कि आपने इस टॉपिक को किस तरीके से डाइसेक्ट करना है, किस तरीके से एनालाइज करना है, ठीक है। तो मैं दोनों तरफ ही बात करूंगा, यानी कि मैं जेंडर स्टडीज के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए भी बात करूंगा, ठीक है। नहीं अब्बास साहब, दिस इज नॉट द फर्स्ट क्लास, दिस इज जस्ट वन लेक्चर, ठीक है, जिसका टाइटल है जी जेंडर एंड डेवलपमेंट। चले जी, तो सबसे पहले जी हम बात कर लेते हैं जी। हमें पता है सिंस वी आर ऑल आर द स्टूडेंट्स ऑफ जेंडर स्टडीज, तो हमें पता है कि हमारा जो मेन होना है, हमारा जो विमेन होना है बायोलॉजिकली, यानी कि हमारा जो सेक्स है वो क्या करता है, वो हमारी सोशल आइडेंटिटी को डिफाइन करता है या उसको करवाया जाता है। और वो करवाता कौन है, वो ऑफ कोर्स वो सोसाइटी करवाती है, ठीक है। और सोसाइटी जो है वो इस सेक्स को, इस बायोलॉजिकल एंटिटी को, इस बायोलॉजिकल बेइंग को क्या करती है, वो शेप करती है, उसकी परसेप्शंस, उसके रोल्स जी, उसकी मोरालिटी, उसकी प्लेसमेंट, उसकी आइडेंटिटी। और इस बुनियाद पर मुआशरा जो है वो जेंडरिंग करता है, या हमें किसमें कन्वर्ट कर देता है, जेंडर के अंदर, सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटी विच वी कॉल जेंडर। तो जब हम वर्ड जेंडर यूज करते हैं तो उससे हमारा मुराद ये होगा कि हम जेंडर वर्ड जब यूज कर रहे हैं तो इट इज बीइंग यूज्ड इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट, इन द सोशल कंस्ट्रक्शन, आइडेंटिटी विच इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, विच इज सोशली परसीव्ड, विच इज सोशली क्रिएटेड, और जो हमें एलोकेट करती है सोशल रोल्स, ठीक है, हमें डिफाइन करती है, हमारी आइडेंटिटी क्रिएट करती है, हमें सोसाइटी के अंदर प्लेसमेंट देती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सोसाइटी की डिवीजन ऑफ लेबर होती है, किसी भी सोसाइटी की जो डिवीजन ऑफ लेबर होती है उसके अंदर हमें ये क्या करती है जी, ये हमें प्लेस करती है। क्लियर होगी बात। दूसरी तरफ एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं डिवेलपमेंट। मैंने कहा पहले मैं आपको जो हमारा आज का टॉपिक है उसका जो टाइटल है वो बता दूं, ताकि कल आगे चल के जब हम डिस्कशन करेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी जी। डेवलपमेंट, अब जो डेवलपमेंट वर्ड है ना, ये बड़ा वो है, क्या कहते हैं, हाईली एक एक कहते हैं सब्जेक्टिव टर्म है। सब्जेक्टिव क्यों, क्योंकि कुछ लोगों के करीब जो डेवलपमेंट है जी, कुछ लोगों के करीब जो डेवलपमेंट है वो मटेरियल, स्पिरिचुअल एथिकल, यानी कि इंसान की लाइफ के जितने भी पॉसिबल बड़े ब्रॉडर वो क्या है, पर्सपेक्टिव्स हैं, उन सारों के अंदर इंसान का रिलेटिवली लो पोजीशन से रिलेटिवली हाई पोजीशन की तरफ मूव करना, ये क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। लेकिन जिस डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम मॉडर्न डेवलपमेंट कहते हैं, आज की दुनिया में
ये जो डेवलपमेंट है इसका जो प्राइमरी फोकस है एज वी ऑल नो एंड वी शुड नो, इसका ज्यादा फोकस है मटेरियल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर। जी यार ये कौन, एक सेकंड, ये बंदा कि मैं रिमूव कर दूंगा, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। यार अली यार ये ना ये कोई है ब्रैंडन के नाम से, इसको रिमूव करें जरा जल्दी से। देखा उसने कहा मैंने भी नहीं करने देना रिमूव। ठीक है जी, ठीक हो गए। जी मैं अभी बात करती हूं। जी टेक्नोलॉजिकल एंड मटेरियल, और जो मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न हिस्ट्री है, उसमें जो डेवलपमेंट है इसको एसोसिएट किया गया विद वन सिंगल वर्ड एंड दैट इज मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन, और मॉडर्नाइजेशन जो है, यार एक सेकेंड ठहर, ये फिर कोई बंदा आ गया। अली यार जल्दी से ना ये जितने भी गोरों के नाम से आईडीज है ना इनको रिमूव करो। चले जी ठीक है जी, मॉडर्नाइजेशन। अब जो वर्ड मॉडर्नाइजेशन है, ठीक है, ये ऑफ कोर्स इट इज अ लार्जर टर्म, इट इज अ लार्जर पर्सपेक्टिव। ठीक है, इसमें क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन जो है ये फिलॉसफी, मोरालिटी, कल्चर, खास तौर पर पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, इन सब चीजों को अगर हम इकट्ठा करके देखें तो एक अप्रोच है जिसको हम क्या कहते हैं, द अप्रोच ऑफ मॉडर्नाइजेशन। इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो लिख ले, जो कि एक्चुअली में डिफाइन ही किसको करते हैं, डेवलपमेंट। इसका ओवरऑल जो मॉडर्नाइजेशन का गोल है वो है कि ह्यूमन सोसाइटी को, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन को, जी ह्यूमन सोसाइटी को या ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन को, द वे ह्यूमन बीइंग्स ऑर्गेनाइज, द वे ह्यूमन बीइंग्स कंडक्ट देमसेल्फ, उसको इंप्रूव करना। और उसके लिए जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं मॉडर्नाइजेशन के या मॉडर्निटी के, वो ये हैं कि दुनिया को रैशनल एंड इंपेरिकल जो ग्राउंड्स हैं उन पर एस्टैब्लिश करना, ठीक है, यानी कि और फेथ जी, फेथ एंड डॉगमा, इन चीजों को डिस्करेज करना, इंसान के लिए मटेरियल गेन या कंफर्ट लेके आना,
मॉडर्न जो नई टेक्निक्स, जी, टेक्निक्स एंड टूल्स उनका इस्तेमाल करना और सोशली जो बाइगॉटरी और हेट्रेड है अगेंस्ट द वुमेन या पेट्रियार्की, उसकी जगह पर औरतों के लिए एक इक्वल एंड सेफ सोसाइटी जो है उसका कायम लाना, और पॉलिटिकली स्पीकिंग डेमोक्रेसी जी एक सेकेंड, जी, एक इक्वल एंड फ्री सोसाइटी फॉर वुमेन वो क्रिएट करना, ठीक है जी। और उसके बाद नंबर टू, पॉलिटिकली स्पीकिंग डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ये चीजें एस्टैब्लिश करना। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो अब हम आते हैं वापस, ये मॉडर्नाइजेशन की बात हमें समझ आ गई। तो मॉडर्नाइजेशन बेस की प्रोवाइड की किसको जी, जो आज हम वर्ड यूज करते हैं, किसका? डेवलपमेंट का। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हेल्थ, एजुकेशन, इन तमाम स्फेयर्स में, जी, इन तमाम स्फेयर्स में क्या करना, अपनी बेसिक ओरिजिनल जो आपकी पोजीशन है उससे क्या करते जाना जी, उससे क्या करते जाना, इंप्रूव करते जाना, उससे बेहतर होने जाना। द वे वी ऑर्गेनाइज एज अ ह्यूमन बीइंग, यानी कि ऑर्गेनाइज द वे वी कंडक्ट द गवर्नमेंट, द वे वी डू द एडमिनिस्ट्रेशन, द वे वी प्रोवाइड द सर्विसेज टू द पीपल, हाउ ह्यूमन बींग, यानी कि जो सोसाइटी है उनकी आपस की जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं, इन सब चीजों के अंदर न्यू टेक्निक्स का आ जाना, न्यू टूल्स का आ जाना, न्यू 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 जो है सिस्टम्स उनका आ जाना, ठीक है, बाकी चीजों का, जितनी भी चीजें जिनको हम जिद्दत कहते हैं उनका आ जाना, ये क्या कहलाएगा, ये डेवलपमेंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? डेवलपमेंट कहलाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारा आज का टॉपिक है जेंडर एंड डेवलपमेंट, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये एक कॉन्सेप्ट है और एक मूवमेंट है। इट इज अ कॉन्सेप्ट एज वेल एज इट इज अ मूवमेंट, जिसका अल्टीमेट एम क्या है, वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। लेकिन ना सिर्फ वेलबींग ऑफ द सोसाइटी जी, ना सिर्फ वेलबींग ऑफ द सोसाइटी जी,
ना सिर्फ वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, बल्कि जो वर्ड हमने बोला जेंडर, बल्कि एक ऐसी सोसाइटी जो अपनी डेवलपमेंट के जो एजेंडाज हैं उसके अंदर सोसाइटी में मौजूद जितनी भी सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटीज हैं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, चिल्ड्रन, गर्ल्स, उन सबको क्या करती है, शामिल करती है। यानी कि जब भी वर्ड डेवलपमेंट आ रहा होगा तो वहां से जो डेवलपमेंट से मुराद हम क्या लेंगे, पूरी की पूरी जो सोसाइटी है, और पर्टिकुलरली चूंकि हमारा टॉपिक है जेंडर एंड डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट जो है उस नैरेटिव के अंदर किसका शामिल हो जाना, खवातीन का शामिल हो जाना, उसके अंदर जो है वो मल्टीपल जो जेंडर्स हैं उनका क्या हो जाना, शामिल हो जाना। क्लियर होगी बात? तो ये हमारी डेफिनेशन होगी। अब हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। नंबर वन जी, ताकि जो डेवलपमेंट है उसके जो फ्रूट्स हैं, जी डेवलपमेंट के जो फ्रूट्स हैं उनकी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। अगर डेवलपमेंट से मुराद ज्यादा मटेरियल गेन है तो फिर वो मटेरियल गेन औरतों और मर्दों के दरमियान बराबर तकसीम होना चाहिए, ठीक है। और अगर जी और अगर जी और अगर क्या हो जी और अगर क्या हो मटेरियल गेन हो तो वो औरतों और मर्दों में क्या होना चाहिए, बराबर तकसीम होना चाहिए। तीसरी चीज, दूसरी चीज जी, ताकि जो जेंडर है वो एक ऐसी कैटेगरी के तौर पर, इसकी हेडिंग बनाए द इमर्जेंस ऑफ जेंडर एज अ कैटेगरी, जो हाईलाइट कर सके कि सोसाइटी के अंदर मौजूद जो डिस्पैरिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन है जी, डिस्पैरिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेन एंड वुमेन, ये खुल के सामने आ सके, ये खुल के सामने आ सके जी। और उसके बाद तीसरी चीज, जेंडर एंड डेवलपमेंट अप्रोच का क्या पर्पस है जी, ठीक है, ताकि हम जो खवातीन हैं, जो मार्जिनलाइज्ड फैक्शन है, मैं आपको ना एक क्लासिकल एग्जांपल इस टाइम देना चाहता हूं, इस टाइम राइट नाउ जो पाकिस्तान में हुआ है जी, फ्लड्स आए, आपने अभी तक जितने भी न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़े होंगे ना, सब बच्चों ने जो अटेम्प्ट दे रहे हैं खास तौर पर कि इंपैक्ट ऑफ द फ्लड्स ऑन पाकिस्तान, आप लोगों ने सारे जितने भी आर्टिकल पढ़े हैं ना उनके अंदर लिखा होगा कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर को ये नुकसान हो गया है, पाकिस्तान में इतने हाउस होल्ड तबाह हो गए हैं, पाकिस्तान में इतनी जो आपकी कैटल्स हैं वो तबाह हो गई हैं, ठीक है, पाकिस्तान में आपकी इतनी फार्मिंग तबाह हो गई है, पाकिस्तान में इतने रोड्स तबाह हो गए हैं, पाकिस्तान में इतनी ज्यादा जो रेल नेटवर्क्स हैं वो तबाह हो गए। इसका मतलब है जितना भी मटेरियल स्ट्रक्चर था वो सारा नुकसान तो हमने अकाउंट फॉर कर लिया, लेकिन चूंकि हमारे यहां इसी वजह से ये अप्रोच दुनिया में आई भी कि जो डेवलपमेंट की पॉलिसीज और एजेंडाज आते हैं ना वो जेंडर सेंसिटिव नहीं है, तो इसीलिए अभी भी देख लो पाकिस्तान में जो फ्लड्स का इंपैक्ट है ऑन वुमेन उसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड जो एविडेंस है वो पब्लिश किया गया है, आइदर फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर और फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों से कोई भी वायबल जो स्टडी है वो अभी तक सामने नहीं आई। तो ये जो थर्ड इसका मकसद है जेंडर एंड डेवलपमेंट का, वो यही है कि ऐसी पॉलिसीज को डिवाइस करना जो क्या कर सके, जो डेवलपमेंट के अंदर, डेवलपमेंट के नैरेटिव के अंदर, डिस्कशन के अंदर वुमेन को क्या कर सके, सेंसिटाइज कर सके, वुमेन को सामने ले जा सके। रहोगे जी बात? अच्छा जी, अब आते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, ठीक है, और वो क्या है कि जब हम बात करते हैं
कि डेवलपमेंट की औरतों के हवाले से, यानी कि जेंडर एंड डेवलपमेंट, तो यूजली हम कौन सी बातें जो हैं उनको सामने रखेंगे। चार बड़े एरियाज हैं, एरियाज जहां पर हमने फोकस करना है कि हमारा डेवलपमेंट का गोल जो है वो ये रहना चाहिए। नंबर वन, ये पॉइंट का ताल्लुक पॉलिटिक्स से है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स डेमोक्रेसी होनी चाहिए। यानी कि डेमोक्रेसी से यहां जेंडर के हवाले से मुराद क्या है कि औरतों की जो रिप्रेजेंटेशन है, औरतों के जो मसाइल हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो लॉज हैं, वो जेंडर सेंसिटिव होने चाहिए और वुमेन की इंक्लूजन एंड पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। नंबर टू, पॉवर्टी रिडक्शन। आपको पता है दुनिया की कोई भी डेवलपमेंटल पॉलिसी हो, खास तौर पर जिसका ताल्लुक इकोनॉमिक्स अफेयर से हो, तो उसके गुड और बैड होने को किस चीज से जज किया जाता है, ये कितने लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आती है, कितने लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड इंप्रूव कराती है, कितने लोगों का जो लाइवलीहुड है उसको इंप्रूव करती है, लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करती है। जी नंबर थ्री, क्राइसिस प्रिवेंशन, जी क्राइसिस प्रिवेंशन, क्राइसिस प्रिवेंशन एंड रिकवरी। जी ह्यूमन बीइंग्स को मल्टीपल जो चैलेंजेस आते हैं, जो मल्टीपल क्राइसिस आते हैं, उनसे हमने अपने आप को बचाना कैसे है, ठीक है, और उनसे हमने अपने आप को निकलना है। जैसे अभी पाकिस्तान में क्या आए, फ्लड्स आए। जी नंबर फोर, जी एनवायरनमेंट एंड एनर्जी, कि इंसान जो है वो जब डेवलपमेंट की बात करता है तो वो अपने एनवायरनमेंट और जो उसके नेचुरल रिसोर्सेस हैं, पर्टिकुलरली द एनर्जी, वो इनको किस तरीके से लेके चलता है, इनको कितना वाइजली यूज करता है, नेचुरल रिसोर्सेस को कितना बेहतरीन तरीके से जो है वो यूज करता है। डन हो गई बात। अब जब ये डेवलपमेंट की ये वाली अप्रोच या डेफिनेशन दुनिया में आ गई, यानी कि कॉन्सेप्ट शुरू हो गया जेंडर एंड डेवलपमेंट का, तो आप सबको पता है कि फोर्थ वुमेन कॉन्फ्रेंस जो है वो कहां पर हुई थी, बीजिंग में, 1995 बीजिंग कॉन्फ्रेंस। उसके अंदर क्या किया गया, उसके अंदर जो जेंडर एंड डेवलपमेंट है इसको सेंट्रल डिबेट बनाया गया, कि जो डेवलपमेंट है का एजेंडा है दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों का, उसके अंदर क्या किया जाए, वुमेन को पर्टिकुलरली इंक्लूड किया जाए और वुमेन सेंट्रिक, वुमेन ओरिएंटेड जो पॉलिसीज हैं उनको क्या दी जाए, जगह दी जाए। इसका जरा वो लिखे, एक मोटो है, इसके कोटेशन है लिखे, जो बीजिंग डिक्लेरेशन या बीजिंग कॉन्फ्रेंस के अंदर हुई, जो मैं एक्सप्लेन कर देगी बहुत सारी चीजें। जी नंबर, अपना डेफिनेशन लिखेंगे जी हम। जी इट एम्स एट, जी इट एम्स एट, जी इट एम्स एट एक्सेलरेटिंग इंप्लीमेंटेशन, इट एम्स एट एक्सेलरेटिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजीज, जी फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजीज फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वुमेन, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वुमेन एंड रिमूविंग ऑल द ऑब्स्टेकल्स,
जी, एंड रिमूविंग ऑल द ऑब्स्टेकल्स टू वुमेन्स एक्टिव पार्टिसिपेशन जी टू वुमेन्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ, सॉरी ऑल स्फेयर्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ थ्रू अ फुल एंड इक्वल पार्टिसिपेशन इन ऑल स्फेयर्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ थ्रू अ फुल एंड इक्वल through a full and equal share through full and equal share in economics ya economic social cultural and political decision making and political decision making and political decision making. अगर आप सिर्फ इस एक quotation को गौर से पढ़ें, आपको gender भी समझ आएगा, आपको gender and development भी समझ आएगा. कैसे? बीजिंग conference ने यह बता दिया कि अब इंसान आने वाले दौर में जितनी भी decision making करेगा, यानी कि governance होगी, जितनी भी policies बनेगी, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, चाहे वो कल्चरल पॉलिसीज हो, चाहे वो सोशल पॉलिसीज हो, चाहे वो पॉलिटिकल पॉलिसीज हो, उन सारी पॉलिसीज का एम क्या होना चाहिए कि औरतों की तरक्की के रास्ते में जितने भी बैरियर्स हैं उनको क्या करना है, रिमूव करना है. और उनके लिए दो वर्ड बोले इन्होंने जी, फुल एंड इक्वल शेयर उसको क्रिएट करना है. Full and equal share in all the decisions, economic decisions, political decisions, social decisions, जितने मर्जी decisions हैं उनको इस्तेमाल करने और इन barriers को remove करने और full and equal जो participation of women है उसको क्या करना है जी, उसको हमने ensure करना. Clear होगी जी बात? ठीक है. तो ये था जी एक जेंडर एंड डेवलपमेंट को लेके, तो एक इंटरनेशनल इसको कंसेंसस लिख लो. ये जो बीजिंग कॉन्फ्रेंस है इट वाज बेसिकली इंटरनेशनल कंसेंसस. और पोस्ट बीजिंग कॉन्फ्रेंस कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हुई, यानी कि उसके बाद जो कंट्रीज थे जब वो अपनी पॉलिसीज बनाते थे तो उन्होंने जारी बात है उसके अंदर किसको जगह दी, जेंडर को भी डेवलपमेंट के साथ किसको अटैच कर लिया, जेंडर को भी. और तो उसके कुछ रिजल्ट्स भी आए. मसलन नंबर वन, इस कॉन्फ्रेंस के बाद अवेयरनेस इंक्रीज हुई, जी नंबर वन. नंबर टू जी, नंबर टू पॉलिसी रिफॉर्म्स आई डिफरेंट कंट्रीज में. पॉलिसी रिफॉर्म्स जेंडर सेंट्रिक, जेंडर ओरिएंटेड, जेंडर कॉन्शियस पॉलिसी रिफॉर्म्स. नंबर थ्री, दुनिया के अंदर जो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क थे वो इंप्रूव हुए. दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज ने कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स जी. नंबर फोर, औरतों को एम्पावर करने के लिए इंस्टीट्यूशनल अप्रेटिस कायम किया गया मुख्तलिफ कंट्रीज में, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई. जैसे पाकिस्तान में देख लो आप, मल्टीपल इदारे हैं आज जो वुमेन की सेफ्टी के लिए, वुमेन के राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए, मॉनिटरिंग के लिए स्पेशल इंस्टीट्यूशंस हैं जो पाकिस्तान और दुनिया के दीगर कंट्रीज में भी एग्जिस्ट
करते हैं। नंबर फोर जी, सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जो रिसोर्स एलोकेशन होती है, अभी जिस तरह मैं फ्लड्स की बात कर रहा था, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है अगर वो जेंडर एंड डेवलपमेंट की अप्रोच के साथ चलेगी तो फिर जो रिसोर्स की एलोकेशन है वो सिर्फ इलाके के लिए नहीं होगी, वो फिर औरतों के लिए भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो रिसोर्स एलोकेशन जो है, ये लिख लें जी कि ये, या इसका एक और नाम भी है, जेंडर सेंसिटिव बजटिंग। ये दुनिया में कॉन्सेप्ट आया, जेंडर सेंसिटिव बजट। जी, और नेक्स्ट जी, सारे कंट्रीज ने दोबारा से प्लेज किया कि हम लोग अपनी जितनी भी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं जेंडर को लेकर, उसको क्या करेंगे, ऑनर करेंगे, उसको पूरा करेंगे। आपको पता है ना, इंटरनेशनली बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर इस टाइम ट्रीटीज हैं, बड़े सारे चार्टर्स हैं, जो बाज़ुकात आपको पता होगा सीडा एग्जिस्ट करता है, ठीक है, फिर उसके अलावा और बड़ी सारी, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जेंडर को क्या किया गया है, शामिल किया गया, ठीक है, और खास तौर पर इन कमिटमेंट्स का ताल्लुक होता है कि जो वुमेन के राइट्स हैं उनको क्या किया जाएगा, इंश्योर किया जाएगा, ऑनर किया जाएगा और प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये वो एरियाज हैं, ये वो इम्प्रूवमेंट्स हैं जो जेंडर एंड डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में दुनिया में होना स्टार्ट हो, ठीक है। चलें जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ, एंड दैट इज कि बेसिकली जो जेंडर एंड डेवलपमेंट है या डेवलपमेंट इटसेल्फ है, उसके हमने जब पेपर में भी सवाल करना है तो हमने वो कौन से पांच चार बड़े एरियाज हैं जिनके अंदर हमने बताना है कि अगर जेंडर बेस्ड डेवलपमेंट होगी उसके क्या फायदे होंगे, ठीक है, उससे क्या क्या चीजें हमें मिलेंगी। जी, सबसे पहला जो एरिया है जी वो हम लेंगे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन का, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। जी, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ठीक है। अच्छा जी, अब इनका आर्ग्यूमेंट क्या है इस सारे मुद्दे का कि इकोनॉमिक, अब ये है आपका इंग्लिश एसे, यहां पर एसे और जो जेंडर स्टडीज है ये दोनों कंबाइन है, कि आप लोग अक्सर हमारे यहां ना जेंडर के एसे में हर बच्चे का स्ट्रक्चर यही होता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेकिन सवाल ये कि जब आप पेपर में वर्ड यूज करते हो ना कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन होनी चाहिए किसकी, वेमेन की, इसका स्कोप नहीं बच्चों को पता होता, इसका स्कोप क्या, ठीक है जी, इसका स्कोप क्या है। सबसे पहली चीज इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में जो आपने माइंड में रखनी है कि क्या खवातीन वर्कफोर्स का हिस्सा है या नहीं है। नंबर टू जी, क्या उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या उनके पास ओनरशिप के राइट्स हैं, क्या उनके पास जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग है क्या वो उसका हिस्सा है, जी। उसके बाद जी, क्या औरतें जो हैं जी, वो जो आपका कॉरपोरेट डेवलपमेंट है, कॉरपोरेट या प्राइवेट जो सेक्टर है, ठीक है, क्या वो उसके अंदर डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं उनके अंदर वो पोजीशन है या नहीं है, जी। और अगली चीज कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, क्या उसके अंदर जो औरतें हैं उनको उनकी कंसिडरेशन है या
नहीं है। तो इसका फायदा क्या होगा अगर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इंक्रीज करेगी? तो ये दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुकी है इस पे, ठीक है जी। और उसके नतीजे में ये बात सामने आई है कि जो इकोनॉमिकली इंपावर्ड वुमेन है, इकोनॉमिकली इंपावर्ड वुमेन है, वो सोसाइटी में से जो पॉवर्टी है उसकी रिडक्शन का बायस बनती। क्लियर होगी बात, आर्ग्यूमेंट समझ आया? वो क्या करती है जी, वो पॉवर्टी रिडक्शन का बायस बनती। कैसे? जब वो जॉब कर रही है तो वो प्रोड्यूस कर रही है, और जब वो प्रोड्यूस कर रही है तो उसके बदले में जाहिर बात है उसको फाइनेंशियल गेन आ रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो हाउस होल्ड है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसे शामिल हो गए। तो अभी वो क्या कर सकती है, वो अपनी बेसिक फूड को, अपनी न्यूट्रिशन को, अपनी लाइफस्टाइल को, अपने जितने भी इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी होते हैं इन शॉर्ट, उनको क्या कर सकती है, इंप्रूव कर सकती है, उनको ब्रेक कर सकती है, ठीक है। और ओवरऑल जो नेशनल वेल्थ है, जीडीपी है, जो नेशनल वेल्थ है उसके अंदर भी इजाफे का सबब बन सकती है, ठीक है। ये वो एरिया है डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ठीक है, जो जेंडर एंड डेवलपमेंट की जो डिबेट है उसके अंदर इसको बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन हासिल। नंबर टू जो इसी के साथ इसका कह ले कजन पॉइंट है, ठीक है, वो है इकोनॉमिक जी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। पार्टिसिपेशन और चीज है और अपॉर्चुनिटी और चीज है जी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। सवाल ये पैदा होता है, आप लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी हुई है लिबरल फेमिनिज्म, रिमेंबर लिबरल फेमिनिज्म। अच्छा, अब लिबरल फेमिनिज्म क्या कहती है? लिबरलिज्म फेमिनिज्म कहती है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, लेकिन हम सारे लोग उसको बड़ा ना सुपरफिशियली इंटरप्रेट करते हैं कि जी सोशल इकोनॉमिक कल्चरल अफेयर्स में दोनों को क्या होनी चाहिए, लेकिन हम इस चीज को भूल जाते हैं कि इसके बैकग्राउंड में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो असल में इक्वल अपॉर्चुनिटीज को क्या करते हैं, रोकते हैं, औरतों के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को क्रिएट ही नहीं होने देते, दैट इज द रियल इशू। तो सबसे बड़ा जो इंडिकेटर इन्होंने लिया है ना कि अगर औरतों को आपने क्या देनी है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, तो ये कहते हैं कि जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो देखनी पड़ेंगी दुनिया में कि वो किधर किधर कितने परसेंट औरतों के पास, ठीक है। तो बकायदा ये एक स्टडी है जिसमें दुनिया के मल्टीपल कंट्रीज का उन्होंने डेटा लिया हुआ है और वो बताते हैं कि लैंड होल्डिंग्स जो है वो कितने परसेंट है। तो वो कंट्रीज जिनमें 20% 30% 40% इवन 50% भी हैं, कुछ कंट्रीज जिन कंट्रीज के अंदर लैंड होल्डिंग्स की जो ओनरशिप है या वुमेन की ओनरशिप है, लैंड होल्डिंग है, वहां पर जो औरतों के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है वो क्या है, ज्यादा है। उसकी वजह सिर्फ ये सिंगल एक पॉइंट को हम सामने रख लें, लैंड होल्डिंग को, ये एक चीज औरत को ओनर बना देती है, ये एक चीज जो है ये उसको एंटरप्रेन्योर बना देती है, ठीक है, ये एक चीज उसको प्रोड्यूसर बना देती है, ये एक चीज उसकी जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन थी उसको डेफिनेट कर देती है, इंश्योर करा देती है, नन होगी बात। अच्छा, उसके बाद इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में दूसरी बड़ी बात हमने क्या डिस्कस करनी है कि उसको अपॉर्चुनिटी तो तब मिलेगी ना जब उसकी एक्सेस होगी। तो इन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे आने वाले दौर में
या डेवलपमेंट के नैरेटिव में कि कैपिटल कैपिटल और मार्केट इन दोनों तक औरत की क्या होनी चाहिए, एक्सेस होनी चाहिए, ताकि वो अपनी सर्विसेज को, अपने बिजनेस को, अपनी इन चीजों को क्या कर सके, इंप्रूव कर सके, बेहतर कर सके। क्लियर होगी बात जी? नंबर थ्री जी, नंबर थ्री, नंबर थ्री पे ये नंबर वन हो गया, ये नंबर टू हो गया और ये नंबर थ्री हो गया। जी, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। सो जेंडर एंड डेवलपमेंट का एम है औरतों की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करना। अब ये एम्पावरमेंट जो है ये कैसे हो सकती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये एम्पावरमेंट हो सकती है व्हेन वुमेन आर पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, जी, व्हेन दे आर पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में, जी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में पार्लियामेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया, सिविल सोसाइटी, जी, मीडिया, सिविल सोसाइटी, जी, जब वो इनका क्या है, पार्ट है, तो इनकी ये जो पार्टिसिपेशन है ये क्या करेगी, ये औरतों को ना सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देगी बल्कि पावर को, लॉज को जी, डिसीजन मेकिंग को जी, पावर को, लॉज को, डिसीजन मेकिंग को क्या कर देगी, जेंडर सेंट्रिक कर देगी, जेंडर सेंसिटिव कर देगी। जी, जेंडर सेंसिटिव एंड जेंडर सेंट्रिक। जी, चौथा जो बड़ा एरिया है जिसके तरफ इस अप्रोच का ख्याल है कि इसमें चीजें इम्प्रूव हो रही हैं, होनी भी चाहिए, उसके फायदे भी बड़े हैं, एंड दैट इज एजुकेशनल अटेनमेंट। जी, एजुकेशनल अटेनमेंट। जी, अब एजुकेशनल जो अटेनमेंट है ये तय होगी स्कूल्स, कॉलेजेस, जितने भी एजुकेशनल क्या है, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ, इनफ बजट के साथ, जेंडर सेंट्रिक पॉलिसी के साथ, ठीक है, और उन तमाम एड्स जी, उन तमाम एड्स जी एंड स्ट्रक्चर्स, एटीट्यूड्स जो औरतों को क्या कर रहे हैं, इंपावर कर। अब इसका फायदा जरा सुनना है कि एजुकेशनल अटेनमेंट का फायदा क्या है। सबसे बड़ा फायदा, एक तो इसका मटेरियल गेन लिखेंगे हम, ये इकोनॉमिकली वो एक वायबल एंड साउंड एंटिटी बन जाएगी, और उसके साथ साथ डेटा मौजूद है कि जो इन्फेंट मोरलिटी रेट होगा, मोर्टेलिटी रेट, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जो मेटर्नल जी, जो मेटर्नल मोर्टेलिटी है वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। इन शॉर्ट,
जिंदा रहने से लेकर लंबी जिंदगी तक और एक अच्छी जिंदगी तक, ये सब चीजें जो है ये इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं किस चीज के, एजुकेशनल अटेनमेंट। इसीलिए इनका फोकस है कि आप क्या करें, आप जो है वो और जेंडर और अपना डेवलपमेंट के अंदर जो है वो किसको लेके आए, जेंडर जो है उसको जरा आप ख्याल में, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 5 जो बहुत बड़ा एरिया है, दैट इज हेल्थ एंड वेल बीइंग। हेल्थ एंड वेल बीइंग, अब इसके अंदर भी क्या करेंगे हम, हॉस्पिटल्स, फैसिलिटीज, डॉक्टर्स, अवेयरनेस, खास तौर पर बजट्स, जी पॉलिसीज, जी इन चीजों को हम क्या करेंगे, सामने रखेंगे। और जब ये चीजें इंप्रूव होंगी तो एक इंडिकेटर जो है दुनिया में वो जरूर इंप्रूव होगा, और वो ये है, वो जो हमने पहले भी बात की, मैटरनल जो मॉर्टेलिटी रेट है, रेशियो है, ठीक है। अब इन्हीं पांचों जो बड़े एरियाज हैं इनको सामने रख के तो दुनिया में एक इंडेक्स बन गया, उसका नाम है, जिसको आजकल आप सारे लोग पेपरों में कोट भी करते हो, जिनकी रिपोर्ट पढ़ते भी हो, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, पढ़ते हैं ना GDI, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। अब आपको आज एक मजेदार बात बताएंगे कि आप लोग यूजली पढ़ते हो इसके अंदर स्कोर कि कौन सा कंट्री किस जगह पर खड़ा है, हम आज इसको देखेंगे कि इसके पीछे वो कौन से इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, जो जिनकी बुनियाद पर जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो बनता है। तो इसके अंदर जी बेसिकली 6 इंडिकेटर्स हैं बड़े, लेकिन हम इसको 3 के अंदर लेके आ जाते हैं क्योंकि वो मर्द और औरत दोनों के लिए उन्होंने अलग अलग बनाया हुआ, तो हम इकट्ठे लिखेंगे। पहला है जी मेल एंड फीमेल। जितने स्टूडेंट्स भी इस लेक्चर को एसए के परस्पेक्टिव से सुन रहे हैं उनके लिए ये बात है कि आपने जब भी बात करनी हो एजुकेशन की, हेल्थ की, पॉलिटिक्स की, इकोनॉमी की, तो देर आर 2 वेज फॉर द आर्ग्यूमेंट। एक आप रीजनिंग देते हो और एक आप एविडेंस देते हो। तो जो एविडेंस होता है वो किसी एग्जाम्पल की शक्ल में भी हो सकता है और डेटा की शक्ल में भी हो सकता है, और खास तौर पर जब जेंडर जैसा ऐसे हो और उसमें भी डेवलपमेंट का कोई परस्पेक्टिव दिया हुआ हो, तो फिर हमारे लिए ये जो इंडेक्स है ये बड़ी बुनियादी हैसियत इख्तियार कर जाता है, क्योंकि ये हमें क्या दे रहा होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस दे रहा होता है कि दुनिया में औरत और मर्द इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स वो कहां खड़े हैं। इधर लिखेंगे मेल फीमेल एजुकेशनल एजुकेशनल डेवलपमेंट इंडेक्स। नंबर 2 मेल एंड फीमेल जी हेल्थ डेवलपमेंट इंडेक्स। और इसी तरह मेल एंड फीमेल इनकम डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये 3, ये बेसिकली तो 6 है ना, 3 मेल के लिए और 3 फीमेल के लिए, जी। तो ये जो आप रैंकिंग वगैरह देखते हैं वो सारी जो है वो बेसिकली वो इन फैक्टर्स को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। और ये फैक्टर्स में क्या क्या आएगा वो मेरा ख्याल है मैंने आपको ऊपर जो है वो क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि किन किन चीजों को देखा जाता है और किन किन चीजों को नहीं देखा जाता। जानोगे जी बात, तो ये है आपका बेसिक एक स्ट्रक्चर ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर
एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो पास्ट पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, और वो है कि कैपिटलिज्म एंड जेंडर। जी, कैपिटलिज्म एंड जेंडर, जी, कैपिटलिज्म एंड जेंडर, ये दोनों जो है ये आपस में किस तरीके से लिंक्ड है, ठीक है, और इनका आपस का क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले जो फंडामेंटल गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो वन साइडेड इसमें तजिया करते हैं, या वो इसके हक में लिख देते हैं और या वो इसके अगेंस्ट लिख देते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने दोनों साइड पे आर्ग्यूमेंट करना है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि जो कैपिटलिज्म और जेंडर है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो पॉजिटिव रिलेशन हो कि किस तरीके से जो कैपिटलिज्म है उसने वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर डेवलपमेंट जिसको आप कहते हैं, उसको क्या कराया, इंश्योर कराया। जी, सबसे पहले जी नंबर वन पॉइंट जो हमने देना है वो ये देना है कि जो इकोनॉमी है, जारी बात है कैपिटलिज्म इज इकोनॉमिक स्टेट, तो इसने जो वुमेन है उनको एक रैशनल एंड फ्री, रैशनल एंड फ्री इकोनॉमिक यूनिट के तौर पर तस्लीम किया है कि जो मर्द की इकोनॉमिक रैशनल है या मर्द का जो इकोनॉमिक बीइंग होना है वो उसी तरह बिल्कुल रैशनल, फ्री एंड इक्वल जो इकोनॉमिक एंटिटी है वो औरत को भी तस्लीम किया है। नंबर टू, जी नंबर टू, जो इकोनॉमिक चॉइसेस हैं, इकोनॉमिक चॉइसेस इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस, कोई भी वेल्थ, हर चीज वो औरत के लिए क्या की है, ओपन की है। डनों की बात जी। उसके बाद नंबर थ्री, सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी दी नहीं है, सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी दी नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको लीगल प्रोटेक्शन दी है। कॉन्स्टिट्यूशन याद है, पाकिस्तान समेत दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेजर जहां डेमोक्रेसीज है या कैपिटलिज्म है वहां पर राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट टू जॉब, राइट टू ऑनरशिप, ठीक है, लीगल प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेस, और जो वर्ड रिसोर्सेस है इसको प्लीज बहुत बड़े तरीके से सोचना है। इसमें कैपिटल भी आता है, इसमें लैंड होल्डिंग्स भी आती है, थैंक यू जी, इसमें लैंड होल्डिंग्स भी आती है, जी इसमें फैक्ट्रीज भी आती है, इसमें सब कुछ आता है, ठीक हो जी। उसके बाद नंबर फोर जी, सबसे बड़ी बात कि जो औरतों का एंटर हो जाना इनटू द इकोनॉमी ड्यू टू द कैपिटलिज्म, उससे क्या हुआ है, हमारी जो प्रोडक्शन है, हमारी जो इकोनॉमिक लाइफ है वो कोऑपरेटिव, जी कोऑपरेटिव एंड सोशल प्रोडक्शन ऑफ ऑल सिटीजंस, कोऑपरेटिव एंड सोशल प्रोडक्शन ऑफ ऑल सिटीजंस,
ऐसा नहीं है कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज जस्ट अ पैसिव कंज्यूमर, इज जस्ट नोबडी, इज जस्ट नो वन. नहीं, वो प्रोडक्टिव बट कोऑपरेटिव पार्ट है ओवरऑल डेवलपमेंट के एजेंडा का, सोसाइटी का, इन सारी चीजों. जी नेक्स्ट. कैपिटलिज्म में रहने से औरत को पता क्या फायदा हुआ? उसको अपनी सर्विसेज, अपनी गुड्स, अपनी इकोनॉमिक टैलेंट, उसके एक्सपोजर के लिए, उसकी यूटिलिटी के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए उसको क्या मिली है? फ्री. जी फ्री, ओपन एंड कंपेटिटिव मार्केट्स. तभी मिलनी थी ना. जी फ्री, ओपन एंड कंपेटिटिव मार्केट्स, जहां पर वो क्या कर सकती है, जहां पर वो फ्रीली एक्सचेंज ऑफ गुड्स, बिजनेस ऑफ कोर्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स वो कर सकती है और उससे ऑफ कोर्स प्रॉफिट कमा सकती है और अपने लिए जो अपनी इकोनॉमिक वेलबींग है उसको बेहतर कर सकती है. जी उसके बाद कैपिटलिज्म में रहते हुए औरत को क्या फायदा हुआ है, ये जेंडर के हवाले से क्या चीज हुई है? इंटीग्रेशन. जी इंटीग्रेशन हुई है ऑफ लेबर. जी इंटीग्रेशन ऑफ लेबर, सर्विसेज एंड जी मेटीरियल, कह लो वेलबींग या मैटर या मटेरियल या कैपिटल. एक ऐसी जगह जहां वो रिक्रूट भी कर सकती है, जहां वो रिक्रूट हो भी सकती है, एक ऐसी जगह जहां वो मल्टीपल लेबर ऑपरेशंस, सर्विस ऑपरेशन एंड मटेरियलिस्टिक ऑपरेशंस उनको क्या कर सकती है, कंडक्ट कर सकती है. नेक्स्ट जी, और ये जो पॉइंट है ना, इससे मेरा ख्याल है बहुत बड़ा रेवोल्यूशन भी आ रहा है और आता भी है. कैपिटलिज्म के अंदर औरत को सरमाए तक एक्सेस मिली है. अब ये पॉइंट बड़ा अहम है. जिन कंट्रीज में पेट्रियार्की है या जिसको आप कहते हो एग्रीकल्चरल मोड ऑफ प्रोडक्शन, वहां बुनियादी सरमाया कहां से जनरेट होता है? लैंड होल्डिंग से. और लैंड होल्डिंग तो आपको पता है पाकिस्तान में 1% भी नहीं होगी औरतों के पास. इंडिया में स्टिल 2.8% है, इंडिया में स्टिल 2.8% है, तो नॉट टू मेंशन द पाकिस्तान. तो इसका मतलब है औरत की जब तक सरमाए तक एक्सेस नहीं हो रही थी, मामला चेंज नहीं होने थे, तो अंडर कैपिटलिज्म उसकी जो एक्सेस टू कैपिटल है, जैसे कि आज भी देखो हुकूमत जब भी पॉलिसी देती है कर्जे देने की, तो आपको पता है एक जेनेरिक कर्जा होता है और एक कर्जा किसके लिए होता है, सिर्फ किसके लिए, खवातीन के लिए. इसी तरह जो बैंक्स होते हैं वो भी बड़ी सारी जगहों पर जो एक्सेस टू कैपिटल है, क्रेडिट है, वो किसके लिए रखी होती होगी, औरतों के लिए रखी होती है. इसका मतलब है इससे क्या होगी, अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी, बिजनेस जनरेट होगा, वो अपनी जो चॉइसेस, इकोनॉमिक चॉइसेस हैं उनको क्या कर सकेंगे. वुमेन बैंक्स ओपन होते हैं. ठीक है जी नेक्स्ट. जी नेक्स्ट, अगर वो कोई कैपिटलिज्म में नहीं रहती, ठीक है, और वो किसी और निजाम में रहती है तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर वो कैपिटलिज्म में रहती है तो सबसे बड़ा उसको फायदा क्या है कि उसको इंसेंटिव्स मिलेंगे. जी इंसेंटिव्स पता किस चीज के लिए, फॉर इनोवेशंस. अगर इफ शी इज टैलेंटेड, शी इज ब्लेस्ड, शी इज क्रिएटर, ठीक है, वो दुनिया में कोई नई इजाद लेकर आती है, दुनिया को कोई नया आइडिया देती है, ठीक है, तो सबसे बड़ी बात उसको उसकी इनोवेशन के लिए क्या मिलेंगे, इंसेंटिव मिलेंगे. और यहाँ पे मैं तो दो पॉइंट और भी लिखवा एक पॉइंट और भी लिखवाना चाहूँ. सिर्फ इंसेंटिव नहीं, फाइनेंस इंसेंटिव से लगता है, इकोनॉमिक इंसेंटिव है, उसको रिकग्निशन मिलेगी, इंडोर्समेंट मिलेगी, जिससे और लोगों को एम्पावरमेंट आएगी. बात फॉलो कर रहे हैं?
एक सीएसपी लड़की बन जाएगी, शी वुड टर्न अराउंड द एंटायर एरिया, एंटायर विलेज, हर बंदा जिसके अंदर जितना मर्जी बड़ा पेट्रियार्क होगा ना, वो चेंज हो जाएगा। अभी ये टिकटॉक सोशल मीडिया को देखो ना, ठीक है, जो बच्चे अच्छे पैसे कमा रहे हैं ना, जो लड़कियां इंपावर हो रही हैं, ठीक है, जो वो डिफरेंट जरूरी के डांस करके, देयर आर मल्टीपल एवेन्यूज, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, बाकी लोग जो खवातीन है जिनको पेट्रियार्कल या स्ट्रक्चरल इश्यूज का सामना है, उनको भी क्या मिल रही है, मोटिवेशन मिल रही है, एम्पावरमेंट, तो रिकग्निशन भी है और इंडोर्समेंट भी है इन अंडर कैपिटलिज्म। क्लियर होगी बात जी? ठीक है जी, नेक्स्ट। और ये पॉइंट जो है ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है कि जो कैपिटलिज्म है वो सोशल स्ट्रक्चर को, ये कहते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देती है। और कौन से सोशल स्ट्रक्चर को? जो पेट्रियार्कल ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव मुआशरे होते हैं ना, कैपिटलिज्म जहां पर आती है वो उन सोशल स्ट्रक्चर्स को क्या कर देती है, चेंज कर देती है। अब इसकी एग्जांपल के तौर पर, ये इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखे, ये बड़ी जबरदस्त बात है, कैपिटलिज्म आएगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगी, सिर्फ जॉब्स की मिसाल दे देता हूं, इस जॉब्स के चक्कर में पाकिस्तान के अंदर या थर्ड वर्ल्ड के अंदर खास तौर पर जो औरतें हैं उनको एजुकेशन पर लगा दिए, और जब एजुकेशन पर लगाया तो उससे क्या हुआ, जॉब्स क्रिएट हुई, मटेरियल वेलबींग आई, उससे क्या हुआ, वो जो उनकी डोमेस्टिकेशन थी, यानी कि उनको पब्लिक स्फेयर में आने का क्या मिल गया, मौका मिल गया, तो उससे क्या हुआ, जब वो पब्लिक स्फेयर में आई तो उनका ड्रेस कोड, उनकी मोरालिटी, उनकी वैल्यूज, उनकी नॉर्म्स, द वे दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, इवन इटसेल्फ, फैमिली का स्ट्रक्चर, सब कुछ क्या हो गया, चेंज हो गया। दिस इज हाउ यू नो कैपिटलिज्म जो है वो क्या करती है, वो इनकरेज करती है टू द सोशल स्ट्रक्चर को कि वो कंजर्वेटिज्म से मॉडर्नाइजेशन की तरफ, लिबरलिज्म की तरफ क्या है, ठीक है, वो इनकरेज हो। और इसी के साथ एक लिंक्ड पॉइंट है, ठीक है, वो भी लिख लें कि कैपिटलिज्म जो है वो औरत को आउटसाइड द होम, यानी कि पब्लिक स्फीयर जो है, ठीक है, उसके अंदर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज उसके लिए ओपन करती है। ये इसी के साथ लिंक्ड है पॉइंट, जो कि फिर चीजें क्या करता है, चेंज कर देता है। सबसे बड़ी बात, और ये वेस्ट की पूरी केस स्टडी हमारे सामने, कि अंडर कैपिटलिज्म जो विमेन है उन्होंने इन टर्म्स ऑफ फैमिली, इन टर्म्स ऑफ फैमिली से मुराद अपनी कलेक्टिव लाइफ, ठीक, हेल्थ, न्यूट्रिशन, जी, क्वालिटी ऑफ चिल्ड्रन, इसको क्या किया है, इंप्रूव किया, ठीक है, मसलन पॉपुलेशन कंट्रोल कम हुई, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम हुए, और क्वालिटी जो रिसोर्स थे घर के अंदर उनकी एलोकेशन क्या हो गई, इंप्रूव हुई, बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स हुई, ठीक है, और उनके उससे क्या हुआ, ओवरऑल जो एक एक कह लें डेवलपमेंट है वो इंक्रीज हुई, इन लोगों की लाइफ में बेहतरी आई। और लास्ट पॉइंट है, खैर लास्ट तो नहीं, बड़ी बातें हो सकती, लेकिन आखिरी पॉइंट ये है, और ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है, प्लीज इसको नफ्सियाती तौर पर देखना है, कि औरत का, आप में से कोई भी लड़कियां, जितनी लड़कियां खैर जो बैठी हैं, सारे ही फाइनेंशियली इंप्रूव होना चाहते हैं, लेकिन जिन लड़कियों की जॉब हो चुकी है, जो पैसा कमाती हैं, जॉब करती हैं, बिजनेस करती हैं, वो जरूर इस चीज को इंडोर्स करेंगी कि कैपिटलिज्म की एक खूबी ये है कि जब बंदे के पास पैसा आता है ना, बंदे को अपना आप इंपॉर्टेंट लगने लग जाता है, सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू फील होती है। आप कभी अपने अब्बा के फैक्ट्री के बाहर खड़े होकर स्टेटस लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, लेकिन अगर आपकी अपने नाम की फैक्ट्री होगी तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होगा, ठीक है, सेल्फ वैल्यू। और ये क्यों आई है,
क्योंकि कैपिटलिज्म क्या प्रोवाइड करती है, फिलॉसफी ऑफ इंडिविजुअलिज्म, हर इंडिविजुअल जो है वो एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस रैशनल प्रोडक्टिव यूनिट है, ठीक है, और वो अपने लिए क्रिएट कर सकता है, अपने लिए प्रोड्यूस कर सकता है, अपने लिए सब कुछ कर सकता है, तो इसलिए फिर ये जो फिलॉसफी है ये इनकरेज करती है द सेल्फ वैल्यू, द सेल्फ वर्थ ऑफ द वुमेन, ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ भी लेकर जाती है, ठीक है, ये भी एक पॉइंट बना लें, ठीक है, ये भी सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल ही है, औरत के लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जी कुछ समझ आ रही है, जी कुछ समझ आ रही है, जी ये हम पढ़ रहे थे कि अंडर द कैपिटलिज्म जी जो पॉजिटिव चीजें हैं जो जेंडर के पर्सपेक्टिव में, जी जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में, जेंडर के पर्सपेक्टिव में आती हैं, ठीक है जी, ये हमने जो है इनको डिस्कस किया। अब हम जाएंगे जी दूसरी साइड पे, एंड दैट इज कि जो एक बहुत बड़ी तनकीद है इसके ऊपर, और वो ये है कि जो कैपिटलिज्म है जी, जो कैपिटलिज्म है बेसिकली इट इज अ सोर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ये क्या है जी, एक्सप्लॉयटेशन, ठीक हो गया। अब इसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चूंकि एग्जैक्टली ऑपोजिट एक इकोनॉमिक सिस्टम मौजूद है कैपिटलिज्म के, विच इज सोशलिज्म और कम्युनिज्म, तो व्हाई नॉट मेरी या किसी और बंदे की बात से बहुत बड़ी बात कौन करेंगे, सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट, या क्योंकि ये पूरे का पूरा अल्टरनेटिव क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम है, क्लियर होगी बात। अब इनका जो पहला तनकीद जो है, जो निष्कर्ष है, वो ये है कि जी कैपिटलिज्म कहती है कि तमाम इंसान फ्री हैं, दे मेक चॉइसेस फ्रीली, तो मुझे ये इनका आर्गुमेंट क्या है, ये इनका आर्गुमेंट कहता है कि इकोनॉमिकली स्पीकिंग जो औरतें और मर्द हैं वो है बेसिकली हैव और हैव नॉट्स, क्यों, क्योंकि अंडर कैपिटलिज्म जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की ओनरशिप होती है वो किसके पास है, वो तो मर्द के पास है, तो इसी वजह से वो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की ओनरशिप है उसको मेल इस्तेमाल करता है फीमेल को एज अ क्लास, एज अ स्ट्रक्चर एक्सप्लॉइट करने के लिए, क्लियर होगी बात। तो ये कहते हैं कि जिस सिस्टम के अंदर दो अनइक्वल्स हैं, ठीक है, तो उनके दरमियान जो रिलेशंस होते हैं वो कभी भी कंसेंचुअल नहीं होते, हेजिमोनिक होते हैं, अनइक्वल्स के दरमियान जो रिलेशन होते हैं वो जी वो कंसेंचुअल होते, सॉरी हेजिमोनिक होते, कंसेंचुअल नहीं होते, तो इसीलिए इनके करीब जो ये कैपिटलिज्म का पूरे का पूरा फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ औरतों की जो वो है कॉन्शियसनेस है उसको रॉब करने के लिए उनको इंसेंटिफाई कर दिया गया। दूसरी बात जी, नंबर बी, उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी बात, इनका आर्ग्यूमेंट ये है कि जो लेबर मार्केट है उसके अंदर, चूंकि मार्केट इज अ मार्केट, ठीक है, तो जो ऐसी भी सर्विसेज हमें चाहिए ना, जो ज्यादातर जिनको एसोसिएट किया जाता है कि वुमेन आर गुड एट देम,
ऑल द सोशल सर्विसेज विच रिक्वायर केयर, ठीक है, केयरफुल हैंडलिंग, जिस तरह हमारे यहाँ नर्सिंग है, टीचिंग है, ठीक है, और बड़ी सारी चीजें हैं, ये जिस तरह आपकी वो है, ये क्या होती है, डे केयर्स, ठीक है, तो इनके लिए इनको क्या चाहिए, जारी बात है, लेबर चाहिए ना, तो तभी सरमायादारी का निजाम चलेगा ना। तो ये समझने की जो लेबर मार्केट है उसके लिए कैपिटलिज्म ने औरतों को एक टारगेटेड चीप या लो वेजेस जो वर्कर्स हैं उसके तौर पर लिए, सस्ते मजदूर, और इसकी बहुत बड़ी दलील भी है, और वो क्या है, आज भी अमेरिका समेत पूरी दुनिया में इक्वल पे, ये इतना बड़ा एजेंडा है ना विद इन द कैपिटलिज्म, कि जहां पर सेम प्रोडक्शन, सेम सर्विस, उसके लिए जो सैलरीज हैं वो दोनों की क्या है, चेंज है। अब उसकी क्या वजह है, उसकी वजह है जी कि जो कैपिटलिस्ट हैं वो तीन से चार आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट एक ही है कि वुमेन आर कंपैरेटिवली लेस प्रोडक्टिव, लेकिन वो इसको जस्टिफाई कैसे करते हैं, चार चीजों की बुनियाद पर लिख लें जी, मेंसुरेशन, एक दो छुट्टियां पक्की, प्रेगनेंसी, हर हफ्ते बाद, दूसरे चौथे दिन बाद, जी, उसके बाद मैटरनिटी लीव, जी, ब्रेस्ट फीडिंग एट वर्क प्लेस, चिल्ड्रन एट वर्क प्लेस, जी, ये पॉपुलर आर्ग्यूमेंट्स हैं जो मल्टीपल जो कैपिटलिस्ट हैं उनकी तरफ से यूज किए गए हैं कि व्हाई वी पे लेस टू वुमेन। तो एक तरफ हम बात कर रहे थे कि इट एम्पावर्स वुमेन, और दूसरी तरफ फिर हम बात कर रहे हैं कि उनकी जो वुमेनहुड है, उनकी जो वुमेनहुड है उसको सिर्फ तनकीद, उसको सामने रखते हुए इन्होंने क्या किया है, पूरी दुनिया में आज भी वुमेन आर फाइटिंग फॉर द इक्वल पे, सेम पे, फॉर द सेम वर्क। जी, नेक्स्ट, जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी, जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी, जी 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 बिल्कुल, क्यों नहीं लग सकता जी, जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी। अब आपको दो चीजें यहां पर अंडरस्टैंड करनी है, एक तो जो ग्लोबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो मर्द और औरत, मर्द और औरत, उन दोनों को रिगार्डलेस, वो पहले ही क्या है, वो पहले ही 1% और 90% ये है, ठीक है, मल्टीपल जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है दुनिया की वो यहां रहती और वेल्थ है उनके पास 5%, 10%, और जो वेल्थ है 90% वो यहां पर है और उसकी जो ओनरशिप है वो 1% लोगों के पास है, 2%, यानी कि इन शॉर्ट कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी होना ये ऑलरेडी ही क्या है, एक फितरी है और एक जरूरी भी है, और फितरी भी है और जरूरी भी है। लेकिन जो असल प्रॉब्लम है जो हमारे यहां कंसिडर्ड है कि अब ये जो 10% वेल्थ है बिटवीन द 90%, अब अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाए तो उसमें जो मेन है वो उस सरमायादार की जगह पर नजर आते और जो औरतें हैं वो उस ओप्रेस्ड और सप्रेस्ड क्लास की जगह नजर आती, जहां पर
जो विक्टिम है इनइक्वालिटी का, इसकी दलील लिखें। जो स्टंटेड ग्रोथ है, जी जो स्टंटेड ग्रोथ है, जो हंगर है, जी जो डेथ्स हैं पैदा होते हुए बच्चों की, पैदा हो बच्चे पैदा करते हुए जो माएं हैं, ये सारे चारों इंडिकेटर्स को अगर आप देखें, या इवन एक्सेस टू फूड है उसको देखें, तो फिर हमें नजर आता है कि जो कैपिटलिज्म है वो किसको इनकरेज करती है, इनइक्वालिटी को, या मैन को जो है वो ज्यादा री इन्फोर्स करती है। फिर ठीक है जी, नेक्स्ट पांचवा बड़ा पॉइंट जी वो है ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन। और आप सारे लोग आजकल इस चीज को देख भी रहे हो कि मैं सोचता हूं अभी कभी कभी कि अगर औरतें ना होती तो अब सरमायादार की जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन बेचता। एक तरफ मीडिया में शामिल होना एम्पावरमेंट भी कहा जाता है, यही वजह है कि अभी हम एक पॉइंट पढ़ेंगे, मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा, एक पूरा थीसिस है कि कैपिटलिज्म बेसिकली पेट्रियार्की की एडवांस फॉर्म है। रेडिकल फेमिनिस्ट क्या कहते हैं कि ये जो पेट्रियार्की है, सॉरी कैपिटलिज्म है, ये पेट्रियार्की की क्या है, एडवांस फॉर्म है, कि लड़कियों को जो मटेरियल बेनिफिट्स है वो तो मिल रहे हैं लेकिन उसकी कॉस्ट क्या है, सबसे बड़ी कॉस्ट है वो है सेक्सिज्म। सबसे बड़ी जो कॉस्ट है वो है ऑब्जेक्टिफिकेशन। आपने कंघा बेचने, आपने मोबाइल बेचने, जी बिल्कुल, आपने गाड़ियां बेचनी है, आपने कोई प्रोडक्ट बेचनी है, तो वुमेन जो है उनको एज अ प्रेजेंटेशन, ठीक है, एक सेरिमोनियल, और एक कमोडिफिकेशन, वुमेन एज अ कमोडिटी, एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉफिट, और इतना यूज टू कर देती है बाजुकात ये चीजें, ठीक है, कि एक अच्छे इदारे में और बुरे इदारे में तालीम का फर्क नहीं बाजुकात रह जाता है कि वहां पर रिसेप्शनिस्ट बहुत अच्छी है, माहौल बड़ा अच्छा है, एक बैंक की जो सर्विसेज है उसको नहीं देखा जाता, वहां ये देखा जाता है कि वहां पर माहौल बड़ा अच्छा है। तो माहौल जो है वो आपको पता है, मॉडर्न जितने भी हम लोग बैठे हैं, हम इतने बच्चे नहीं है, चूचे नहीं है कि हमें ये ना पता हो, ठीक है, कि माहौल हम किसको कहते हैं। तो माहौल हम वहां पर कहते हैं जहां सेक्सिज्म और ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन क्या हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम। आप अपनी मॉडर्न एडवर्टीजमेंट्स का कंटेंट देख लीजिए, ठीक है, आइदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इवन द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, योर यूनिवर्सिटीज, ठीक है, आपकी जितनी MNCs हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, आपके बैंक्स हैं, आपकी NGOs हैं, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, जितना भी है, ठीक है। और इवन मैं तो कहता हूं आप फेसबुक के किसी पेज पे जाएं CSS के, वहां आप नोट्स मांग लें तो आप फीमेल ID से मांगेंगे तो आपको नीचे मुजाहिदीन की एक लंबी लाइन नजर आएगी, और अगर आप हाजी गुलाम रसूल के नाम से आपका अकाउंट होगा तो शायद कोई इक्का दुक्का जो थका हुआ बंदा है वो नीचे आके आपकी हेल्प जो है वो करने आ, ठीक है। तो ये जो है ये दिस इज व्हाट वी कॉल। और पिछले दिनों एक कॉन्ट्रोवर्सी भी बनी थी जैज के, इसमें आप वो मेंशन भी कर सकते हो, जैज का जो एड आया था, ठीक है, मोबाइल फोन का, ठीक है। तो एक तरफ हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है हमारे यहां जो औरतों को उनकी जो बॉडी है, उनकी जो फिजियोलॉजी है, उस बुनियाद पर भी मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। अच्छा, इसमें ये बात में कर, आप इसमें लिखे हेरासमेंट, वर्क प्लेस हेरासमेंट, ठीक है जी, अनकंफर्टेबल जो वर्किंग एनवायरनमेंट है,
और उसके बाद सबसे बड़ी बात एक्सप्लाइटेशन। जितनी बड़ी एमएनसीज हैं उनकी जो फैक्ट्रीज हैं, उनके जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उनको पहले शिफ्ट किया जाता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। वहां पर जो लेबर रेट्स होते हैं वो ऑलरेडी ही क्या होते हैं, चीप होते हैं, और उन लेबर रेट्स में भी फिर आगे मेन एंड वुमेन, उन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। और ये प्रायोरिटाइज करते हैं ज्यादातर जो हार्ड जॉब्स होती है ना, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा फिजिकल रिक्वायरमेंट, उधर ये हायर करते हैं किसको, वुमेन को, बिकॉज आपको क्या देनी है, चीप लेबर देनी है। और उसका नतीजा ये होता है कि एक चीज की जो कॉस्ट है वो $1 है और उसकी जो सेल है वो $50। और यूं जो खास तौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, वुमेन ऑफ कलर, ठीक है, लोअर क्लास वुमेन, ठीक है, जो स्ट्रगलिंग वुमेन है अंडर द पॉवर्टी लाइन, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है। और इसमें आप लिख लें दुनिया के अंदर, जो हम पहले भी बात करते हैं क्लास में भी, जो लेयर इंडस्ट्री है, लेयर इंडस्ट्री, प्रोस्टिट्यूशन, क्लब्स, पब्स, ठीक है, आपकी डिफरेंट जो कॉरपोरेट वो है क्या कहते हैं, सेरेमनीज, चेयर लीडर्स, डांसर्स, और इसके लिए बाज़ुकात हमें बताया जाता है ना कि औरत और जो है वो चॉइस की बुनियाद पर चीजें होती हैं कैपिटलिज्म में या लिबरलिज्म में। लेकिन एक और भी एविडेंस भी है, इस पर मूवीज भी बन चुकी है, इसके ऊपर इंटरनेशनल कंसेंसस भी है, और वो है अंडर एज जो लड़कियां हैं उनकी ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। यानी कि एक पूरा ग्लोबल सेटअप है जिसका काम ही क्या है, सप्लाई साइड, औरत को किस साइड पे देखा गया, सप्लाई साइड पे, आइदर थ्रू इंसेंटिव और आइदर थ्रू फोर्स, फोर्स ही है ना जी। 10 साल, 12 साल, 14 साल की लड़की जो है, ठीक है, उसको आपने शिप करना है एक कंट्री से, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे, उसको उसको कोहर्स करने, उसको शेप करने, उसको कंडीशन करने, उसको नर्चर करने, तो वो खुद अपने आप को क्या करना लग जाए, जो है वो एज अ कमोडिटी देखना शुरू हो जाए। और इस कमोडिफिकेशन और इस ऑब्जेक्टिफिकेशन के इतराज में, इफ यू रिमेम्बर द रेडिकल फेमिनिज्म और द सेकेंड वेव की औरतें या रेडिकल फेमिनिज्म, तो आपको याद होगा उन्होंने अमेरिका के अंदर जो कंपटीशन होता था वो मिस अमेरिका का, ठीक है, वो उसके ऊपर जो उनका क्रिटिसिज्म है या उसके ऊपर जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप सबको याद होगा, ठीक है, तो वो इसकी एक और ग्लेरिंग जो है वो क्या है, एग्जाम्पल है। और मल्टीपल कंट्रीज हैं, ठीक है, एक बुक है द इंडस्ट्रियल वजाइना, द इकोनॉमी ऑफ द कैपिटलिस्ट या पोलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द ग्लोबल लेयर इंडस्ट्री और वुमेन, पोलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द वुमेन, ठीक है। उसके अंदर उसने बहुत ज्यादा डेटा भी दिया हुआ कि दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ना, जिस वॉल्यूम वाइज बहुत बड़ा वॉल्यूम, वो है आपकी लेयर इंडस्ट्री, और एट द हार्ट ऑफ लेयर इंडस्ट्री देयर इज वुमेन, एंड दोज वुमेन दे आर विक्टिम ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन, एक्सप्लॉयटेशन एंड ट्रैफिकिंग। और उसमें उसने एग्जाम्पल्स दी हैं कि दुनिया के, उसने शेयर बताया है कि किसी कंट्री की जो जीडीपी है उसमें कितने परसेंटेज जो शेयर है दैट इज कमिंग फ्रॉम द प्रोस्टिट्यूशन, ब्रोथल हाउसेस, डांसिंग क्लब्स, पब्स, यानी और खास तौर पे ये जिसको आप टूरिज्म इंडस्ट्री कहते हो, टूरिज्म इंडस्ट्री में जो 50, एक तो होते हैं स्पॉट्स, व्यूज, ठीक है, जगह, हिस्टोरिकल प्लेसेस, लेकिन उसके पैरेलल जो इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है दैट इज योर जो प्रोस्टिट्यूशन है, वुमेन इन डिफरेंट रोल्स हैं, ठीक है, वुमेन एज अ एंटरटेनमेंट, वुमेन एज एन एंटरटेनमेंट उसके तौर पर शामिल किया गया, ठीक है। और बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी जीडीपीज का
बहुत बड़ा, जैसे थाईलैंड है ठीक है, तो बहुत बड़ा बड़ा जो मेजर वो उनका शेयर है ऑफ जी 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 बिल्कुल, बहुत बड़ा जो शेयर ऑफ जीडीपी है दैट कम्स फ्रॉम बेसिकली द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वुमेन और यूजिंग वुमेन ठीक है इन द नेम ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जानोगी बात जी ठीक है।